ख्याल से आप लोग इन्वायरमेंट खुद बनाते हो? आप लोग खुद अच्छे हो तो सब अच्छे हो। हमारा मुआशरा जो है ना, सच्चाई सुनने की आदत है ही नहीं। मुआशरे को हमारे को ना सच्चाई सुनने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से वो कहते हैं यार ये बंदे बुरे हैं। पीटीआई के लिहाज से बहुत बेहतर है, यहाँ पे रिसर्च वगैरह काफी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इनसाइट के साथ मैं हूँ बख्तावर मुनीर और आज हम यहाँ जीसी यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। आइए जानते हैं तालिबात से उनकी राय कि वो जीसी के बारे में किस तरह के ख्यालात रखते हैं। आइए चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी शहरोज। शहरोज मुझे ये बताएं कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? जी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मैस कम्युनिकेशन मीडिया से। मैं रिमशा। क्या करती हैं? मैं बीएस मैस कम्युनिकेशन थर्ड सेमेस्टर। मेरा नाम शहीर है। अच्छा शहीद, मुझे ये बताएं आप कौन से डिपार्टमेंट से और कौन सा सेमेस्टर है आपका? मैं डिपार्टमेंट मैथ्स कम्युनिकेशन से हूं और मेरा थर्ड सेमेस्टर मॉर्निंग। मेरा नाम ज़ारा मासूम है। क्या करती हैं आप ज़ारा? मैं बीएस सोशियोलॉजी में पढ़ती हूं, सेवन सेमेस्टर। तौसीफ। तौसीफ कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन फिफ्थ सेमेस्टर से। अजीम खान। अच्छा मुझे ये बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और पहले के कंपैरेटिवली कुछ सेमेस्टर से जिसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, नहीं समझ आता कि स्कूल और कॉलेज लाइफ से इसको कैसे रिलेट करें या किस तरह मुख्तलिफ समझें। सेवन सेमेस्टर हो गया तकरीबन, लास्ट सेकेंड लास्ट सेमेस्टर है मेरा। बहुत अच्छी डिग्री है जो मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा जीसी बहुत फेमस है, मतलब जीसी यू एफ और वर्ल्ड में, मतलब पाकिस्तान में फेमस है खातर जीसी यू एफ। तो लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है अच्छे दोस्त बनते हैं, अच्छे उस्ताद मिलते हैं और इंसान अपने आप को भी पाता है, थोड़ा मुख्तलिफ पाता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है, स्किल्स डेवलप करता है और वक्त के साथ अपने आप में बेहतरी लाता है। और मैंने भी अपने आप को वक्त के साथ बेहतर पाया। टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ टीचर्स फैकल्टी सब बहुत अच्छे हैं। जीसी यूनिवर्सिटी में माहौल काफ़ी बेहतर है, दूसरी यूनिवर्सिटी में मैंने विज़िट किया हुआ है लेकिन यहाँ का काफ़ी, और टीचर्स मतलब काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और स्टाफ भी इनका काफ़ी बेहतर है और स्टूडेंट्स भी आपस में ग्रुपिंग में स्टडी होती है, काफ़ी बेहतर माहौल है, मुझे तो बेहतर लगा है बाकी यूनिवर्सिटी की नस्बत। जीसी यूनिवर्सिटी में मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, ये कि थोड़ा आपके साथ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं आपको, लेकिन आपका एक्सपीरियंस और ओवरऑल जो देखा जाए बहुत अच्छा रहा है। टीचर्स के साथ आपका कोऑपरेशन हमारा बहुत अच्छा रहा है, हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा गाइड भी किया है और कुछ से हमें डांट भी पड़ी है। तो आगे जो बच्चे अब आना चाहते हैं यहाँ पे वो आएँ, ज़रूर आएँ। यहाँ पढ़ने का मज़ा आता है, स्टडी अच्छी है यहाँ की? यस स्टडी तो बहुत अच्छी है। अच्छा आपने मास कम्युनिकेशन को चूज़ किया है, क्यों चूज़ किया, क्या वजह है इसकी? मैथ्स कम्युनिकेशन ने इसलिए चूज़ किया है कि आगे तो मीडिया का दौर है, ठीक है, और इसके अलावा आप देखा जाए तो टीचर्स यहाँ के, मुझे अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिसी का इन्वायरमेंट नहीं अच्छा ये वो, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग इन्वायरमेंट खुद बनाते हो, आप लोग खुद अच्छे हो तो सब अच्छे हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये यूनिवर्सिटी और इसके अलावा अपना डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो मास कम्युनिकेशन की फील्ड है इस लिहाज से जीसी बेहतरीन है? जी मीडिया के लिहाज से बहुत बेहतर है, यहाँ पे रिसर्च वगैरह काफ़ी होती है। यहाँ पे एक टीचर थे हमारे बहुत होनहार माजे साहब थे, हमें उन्होंने रिसर्च करवाई है छठे सेमेस्टर में, तो काफ़ी बेटर है, मुझे तो बेटर लगा मीडिया यहाँ का, मैथ्स कम्युनिकेशन ना। पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे दोस्त हैं लेकिन वहाँ पे ये प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाते, यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं तो ये बेहतर है। अच्छा मुझे ये बताएं जीसी का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है, सबसे बेहतरीन? वैसे तो जीसी का डिपार्टमेंट सबसे अच्छा केमिस्ट्री का होता है लेकिन मुझे अपना डिपार्टमेंट अच्छा लगता है। तो सिर्फ मुझे ये बताएं आपके कैफेटेरिया के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? कैफेटेरिया के बारे में एक्सपीरियंस तो यही है कि मतलब अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी हमने कैफेटेरियाज विज़िट किए हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा इशू है कि मतलब खाना भी उस क्वालिटी का नहीं है और यहाँ पे गैदरिंग वगैरह सिटिंग वगैरह का भी अरेंजमेंट वैसा नहीं है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे भी हम जाएँ, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसमें अच्छा खासा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, मतलब एक प्रॉपर सिटिंग, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर ये सीन है कि मतलब जहाँ पे उनका दिल किया ना वहाँ पे कैफ़े खोल के बैठ जाते हैं, थोड़ी सी चेज़ लगाते हैं। अब हमारे इसी यूनिवर्सिटी में दो कैफेटेरिया चल रहे हैं फ़िलहाल, तो उससे पहले एक कैफेटेरिया की जगह और थी, वो क्लोज़ हुआ, देन एक और खुल गया, फिर मतलब जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे कैफेटेरिया खोल के बैठ जाते हैं। बस ये सीन है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। कैफेटेरिया जो था ना पुराने कैफेटेरिया, जो पुराना कैफेटेरिया था ना वो ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू इसके, ये कैफेटेरिया कुछ इतना ऐसा अच्छा है नहीं, ठीक है। और ये अभी बना है तो इस अभी बना है और ये क्या नाम है इसका ना, यहाँ पे वो रश और वो चेयर्स वगैरह ठीक नहीं है। स्पेशल फूड आइटम कौन सी आपकी? स्पेशल फूड आइटम यहाँ पे तो कोई इस क्वालिटी की आइटम नहीं है कि जो उनसे स्पेशल फूड आइटम हो, बस अच्छी है, गुजारे लायक है, जो भी है अच्छा है, गुजारा चल रहा है, चल रहा है बस। और जो रही फूड आइटम की बात, फूड आइटम ऐसा कुछ अच्छी है नहीं यहाँ पे, ऑरेंज जूस अच्छा है और बस वही है।
अच्छा बड़ी बात सुनिए लॉ डिपार्टमेंट के बारे में, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबने कहा है कि लॉ डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं होता, क्यों कहा जाता है ऐसे लॉ वालों के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लॉ डिपार्टमेंट पर हर बंदे की अपनी राय है, हम अपनी किसी की बंदे की राय से इख्तलाफ कर नहीं सकते, ठीक है एक बात। दूसरे नंबर पे है कि लॉ हर बंदे को अपने राइट्स का पता होना चाहिए, लॉ वालों को अपने राइट्स का पता होता है और अपने राइट्स इन्फ्रिंज होने नहीं देते, किसी के सामने भी नहीं होने देते, जिसकी वजह से हर बंदा कहता है कि यार हम लोग इनसे बात करेंगे मे बी हम गलत होंगे, हमें पता कि हम लोग कहाँ पे सही हैं और हम उस पे स्टैंड ले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए फिर वो हो जाता है कि ना हम लोगों को बुरा कहने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है ना इस सच्चाई सुनने की आदत है ही नहीं, मुआशरे को हमारे को ना सच्चाई सुनने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से वो कहते हैं यार ये बंदे बुरे हैं हमने इनसे बात ही नहीं करनी क्योंकि हमने गलत बातें करनी हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा बुरा कहा जाता है। और ये ऐसा हमारे पूरे सोसाइटी जो है ना हमारी यहाँ पे पूरा हर बंदे के बारे में यही राय रखी जाती है यार ये बंदा ठीक नहीं है, लॉ वाले ठीक नहीं है, बस किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, लम्स में चले जाओ, किसी में चले जाओ, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है और पंजाब यूनिवर्सिटी, लॉ ही गंदा होगा वहाँ पे कहा जाए बस। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, वेलकम।